एकल नारी शक्ति संस्थान राजस्थान की ओर से राज्य स्तरीय बहिना दूज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आदर्श नगर स्थित आदर्श हितकारिणी ट्रस्ट में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एकल नारी शक्ति संगठन ने 20 साल में मजबूती बनाई है, जिसकी प्रदेश में 70,000 महिलाएं सदस्य हैं। इस दौरान इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि देश में इंदिरा गांधी ने महिला शक्ति की मिसाल दी है और उनकी प्रेरणा से महिलाएं आगे बढ़ने का काम कर रही हैं। वहीं एकल नारी शक्ति संस्थान से जुड़ी हुई महिलाओं ने मंच संचालन करते हुए सभी का धन्यवाद दिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि प्रदेश में महिला पुनरुत्थान के लिए सरकार ने विभाग को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि जरूरतमंद महिलाओं और बालिकाओं को स्वरोजगार के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही पुलिस के सहयोग से कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। महिलाओं को हर तरह से एम्पावरमेंट करना सरकार की जिम्मेवारी है, उसी रूप में हम लोग स्कीम लाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एकल नारी संस्था ने जो काम किया है, करीब 70,000 महिलाओं को जो इन्होंने एनरोल किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी है। एकल नारी संस्थान को मैं बधाई देना चाहूँगा। इस प्रकार के संगठन आगे आएंगे तब जाके महिलाओं में और जागरूकता आएगी। आज भी गाँव के अंदर बाल विवाह हो जाते हैं, अन्याय अत्याचार उत्पन्न होता है महिलाओं के साथ में। सरकार ने हर जिले में एक एक DYSP की पोस्ट क्रिएट करी है इसी काम के लिए, कि वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर अत्याचार अन्याय उत्पीड़न हो, बलात्कार हो, ऐसी घटनाएं गंभीर हो, तमाम घटनाओं को खुद देखे। इस प्रकार से हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी थी, वो आपके सामने है। सेल्फ डिफेंस की बात है, वो छात्राओं में तो हम लोग जा ही रहे हैं। अब हम जल्दी करने वाले, कोई भी गर्ल या महिला चाहेगी तो हम चाहेंगे पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिले। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं।